उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ब्लॉक रतनपुरा के ग्राम सभा छिछोर में कुसुम देवी और रविंद्रनाथ दोनों व्यक्ति विकलांग हैं। उन लोगों ने ग्राम प्रधान से और जो सचिव सेक्रेटरी कहा जाता है उनको आवेदन किया था। उन लोगों का विकलांग पेंशन अभी तक नहीं हुआ। इनके साथ कम से कम 35 लोग हैं। विकलांग पेंशन की समस्या बनी हुई है। मैं सतेंद्र और ये है मेरा समुदाय। कितने साल से आप विकलांग हैं? छोटे पर से विकलांग। तो क्या आपको विकलांग पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता। मेरा भी औरत भी विकलांग है। मेरा नाम कुसुम है। मैं जब 6 साल की थी तब से विकलांग हूँ। तो क्या आपने आवेदन किसी से किया था? ब्लॉक पर गई थी, जिले पर गई थी, प्रधान से कही थी, सेक्रेटरी से कही थी, कोई नहीं सुनवाई किया। लोग कहते हैं कि पैसा दो तभी तुम्हारा काम होगा। तो आपके हम लोग गरीब हैं, कहाँ से पैसा देंगे? ये मशीन क्या आपने निजी खरीदा क्या? नहीं, एक आदमी से, दोस्त से मांग कर किसी तरह से 2-3 महीना चलाएंगे। रोजी रोटी चला रहे हैं। 3 बच्चे हैं मेरे पास। तो दोनों आदमी एक ही मतलब मशीन से काम करते हैं? हाँ, वो सिलते हैं। तो मैं तो राशन कार्ड भी नहीं है? राशन कार्ड भी नहीं है, न पेंशन लागू न है, कुछ नहीं। हम लोग को सहारा कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं मिलता है। बांस विकलांग है और पेंशन भी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि कुसुम देवी रविंद्रनाथ के साथ जो 35 लोग हैं, इन लोगों को, सभी लोगों को विकलांग पेंशन मिले। इन लोगों को विकलांग पेंशन दिलाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। न्याय पंचायत सेक्रेटरी लाल बिहारी राम पर फोन कर दबाव डालें, जिनका मोबाइल नंबर 94-52-74-92-51 है। इस पे फोन कर दबाव डालें और हमारा सहयोग करें। मैं सतेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश से, मऊ जिले से, इंडिया अनाट के लिए।